जनपद संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत मानव तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बच्ची साकुशल परिजनों को सौंप दी गई। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र, पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदोसी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में बनियाठेर थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत नाबालिग बच्ची का अपहरण कर खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर शातिर वांछित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा बच्ची को साकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। इस विषय में पुलिस अधीक्षक संभल कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर कार्यवाही करते हुए मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा नाबालिग बच्ची को साकुशल बरामद किया। देखो क्या पूरा मामला है। ये थाना बनियाठेर के अंतर्गत मंशा देवी कस्बा नरौली में पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक पुत्र राजपाल के यहाँ पर एक नाबालिग लड़की जबरदस्ती रखी गई है। इस संबंध में पुलिस ने जब तफ्तीश की और जाँच की तो ये पाया गया कि नाबालिग लड़की को गाजियाबाद से 1 साल पहले जबरदस्ती यहाँ पे लाया गया था और अशोक नामक व्यक्ति को 28,000 रुपये में बेचा गया था। इस जानकारी पर उसको लड़की को CWC के सामने पेश कराते हुए परिजनों को ढूंढते हुए उनको सपोर्ट किया गया और साथ ही साथ उनकी तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें इसरार, धर्मवीर, प्रेमपाल इसमें मिडलमैन थे जिन्होंने अशोक से संपर्क कराया और पूजा पत्नी राजकुमार निवासी संबल ने लड़की को गाजियाबाद से उठाकर इनके थ्रू अशोक को बेचा था। इसमें कुल जो अभी तक बात सामने आई है 28,000 रुपये में लड़की बेची गई थी। तो इस प्रकार से थाना बनियाठेर पुलिस और जो SOG की टीम है इन्होंने लड़की को सकुशल बरामद किया और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनको कड़ी से कड़ी धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम कार्रवाई आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार के प्रकरणों पे लगाम लगाई जा सके। ये सब कार्रवाई ऑपरेशन स्माइल नाम का एक चालू किया गया है जिसमें इस प्रकार से जो भी केसेस आएंगे उसको स्पेशल इंटरेस्ट लेके वर्कआउट कराया जाएगा, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। अभी तक पूछताछ में कोई इस प्रकार से पर्टिकुलर केस आया नहीं है, परंतु इस हम हर एंगल पे इसमें जाँच कर रहे हैं क्योंकि मानव तस्करी संबंधी प्रकरण है और इसमें अगर कोई तथ्य सामने आएगा तो आप सबको अवगत कराएंगे।